नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगता को भूल समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर सभागार में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राम नाईक और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं व सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सभी मिलकर के इस पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब जो पुरस्कार दिया गया वो 25,000 रुपए का है। 5 गुना पुरस्कार, यानी दिव्यांग लोगों की ओर सरकार किस प्रकार से देख रही है, इसके बारे में मुझे लगा कि ये आंकड़े दोबारा मैंने बताना चाहिए। और ऐसा काम करने के लिए इस क्षेत्र के विभाग के मंत्री के नाते राजभर जी का और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन मैं करता हूं। और मैं ही कहता हूं कि ये मेरी सरकार है, तो मेरी सरकार का मैं जरूर अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से वो काम आगे बढ़ा रहे हैं। सारे देश के सामने ये बात रखते हैं कि भाई जो विकास है वो सबका साथ और सबका होगा, तभी विकास सबका विकास होगा। ये सबका विकास होने में दिव्यांगों की जो एक विशेष समस्या है, उस तो समस्या की ओर हम देखते रहते हैं। और माननीय मंत्री महोदय जी ने यह बताया कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या की ओर देख रहे हैं, और उन्होंने कुछ जो आंकड़े बताए, देखिए कभी कभी आंकड़ों के हिसाब से विषय ख्याल में नहीं आता है, लेकिन एक 3-4 आंकड़े जो मुझे उसमें से भाए, उसमें से एक आंकड़ा यह है कि दिव्यांगों को प्रति मास 300 रुपया दिया था, अब 300 का 500 हो गया, मतलब लगभग द्विगुणा तक आगे गया है। और इसके साथ ही दिव्यांगों का कुछ विवाह होता है तो उस विवाह के लिए 20,000 रुपए का विवाह पुरस्कार दिया जाता है, उसकी जो अमाउंट बढ़ाई गई है वो 35,000 तक बढ़ाई गई है। ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि अपने आप में बहुत महत्व की होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।